Like, oh my god, you need a slap the ribbon, fuck you feel this waste of my son. तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इस तरीके की वीडियो को अपने एलाइट मोशन ऐप से कैसे बनाएं। तो दोस्तों इस तरीके की वीडियो बनाओगे तो आपका वीडियो 100% वायरल फिक्स है, क्योंकि दोस्तों इस तरीके की वीडियो बनाना सबकी बस की बात नहीं है। और आप इस तरीके की वीडियो बनाकर अगर इंस्टाग्राम पर रील्स पर अपलोड करते हो तो दोस्तों आपकी वीडियो पर अच्छे खासे व्यू आ सकते हैं। तो दोस्तों चलो आप अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर ये दोनों XML फाइल को इम्पोर्ट कर लेना है। दोस्तों इस दोनों फाइल्स में से एक फाइल है बिटमार्क का और दूसरा फाइल है शेक इफेक्ट का। तो दोस्तों दोनों XML को अपने एलाइट मोशन ऐप में इंपोर्ट कर लेना है। तो दोस्तों चलो अब अपने एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों जैसे एलाइट मोशन ऐप ओपन हो जाएगा आपको यहां से बिटमार्क वाला इफेक्ट पर एक बार क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये वाला जो XML है इस पर आपको फोटो अपलोड करना है। दोस्तों देख सकते हो ये जैसे अभी PNG टाइप का है, इसमें कोई फोटो नहीं लगा है, XML फाइल है। तो इसमें आप फोटो सेलेक्ट करना, मैं बता रहा हूँ जैसे जैसे वैसे ही आप करना। दोस्तों आपको यहाँ शुरुआत से चले आना है और एक स्टेप आगे बढ़ना है। यहाँ पर एक बार क्लिक करोगे तो एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे। और यहाँ से दोस्तों इस प्लस के निशान पर एक बार क्लिक करना है और मीडिया पर क्लिक करना है और वो वाला फाइल खोल लेना है जिसमें कि आपका वो वाला फोटो है जिसको आप इस वीडियो में ऐड करना चाहते हो। दोस्तों हमने ये वाला फोटो सेलेक्ट कर लिया है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे इस पर क्लिक करके, और यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हम लोग का फोटो इतना तक आ चुका है। अब हम लोग दोस्तों ये वाला फोटो पर क्लिक करेंगे और ऊपर 3 डॉट दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके फिल टू कंप्रेशन एरिया पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम लोग का फोटो जो है पूरा फुल स्क्रीन में आ चुका है। और उसके बाद फिर से अगले स्टेप पर बढ़ेंगे और मीडिया पर क्लिक करके दूसरा फोटो सेलेक्ट कर लेंगे जिसको आप ऐड करना चाहते हो। तो दोस्तों मैंने अभी ये फोटो ऐड कर लिया है। अब दोस्तों सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करना है। आगे एक स्टेप बढ़ के यहाँ से कट कर देना है और ऊपर क्लिक करके फिल टू कंप्रेशन एरिया पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये दो फोटो ऐड हो चुका है। अब सेम प्रोसेस हम लोग तीसरे फोटो पर भी करेंगे। यहाँ से इस प्लस के निशान पर क्लिक कर देंगे और मीडिया पर क्लिक कर देंगे और फिर से तीसरा फोटो को हम लोग ऐड कर लेंगे एक बार। दोस्तों हमने ऐड कर लिया है और उसके बाद हम लोग यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करके इसको पूरे फुल स्क्रीन में कर लेंगे और एक स्टेप आगे बढ़ना है और फिर से यहाँ से कट लगा देना है। दोस्तों उसके बाद आगे और यहाँ पर से आप दोस्तों जहाँ से ये वाला फोटो खत्म होगा वहीं पर से आपको स्टार्ट कर देना है। फिर से प्लस के निशान पर क्लिक करना है और फिर से आपको वाला फोटो सेलेक्ट कर लेना है जो आप लगाना चाहते हो इसके साथ। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर 4 फोटो रहेगा, स्टेप बाय स्टेप चारों फोटो को बड़ा कर लेना है और सबको कट लगा देना है जहाँ तक इसका कट का निशान है। तो दोस्तों देख सकते हो अभी हमारा ये सिंपली से फोटो सिर्फ लग चुका है। मैं आपको चलाकर दिखा देता हूँ। देख सकते हो दोस्तों 4 फोटो लग चुके हैं। अब ये इमोजी वाला इफेक्ट को हम लोग स्किप करते हैं, इसके आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको यहाँ से अपने वीडियो को स्टार्ट करना है। फिर से यहाँ 9:20 सेकंड से स्टार्ट कर देना है। यहाँ से आपको प्लस के निशान पर एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से मीडिया पर क्लिक करना है और फिर से आगे जो आप फोटो लगाना चाहते हो उस फोटो पर क्लिक करके ऐड कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग ऐड कर दिया है और यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक कर देना है और फिर से अपने फोटो को फुल स्क्रीन में कर लेना है और एक स्टेप आगे बढ़ना है यहाँ से क्लिक करके और यहाँ से डिलीट कर देना है जितना फालतू पार्ट रहेगा। दोस्तों इतना तक ही हम लोग का फोटो चाहिए। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग स्टेप बाय स्टेप अपने फोटो को ऐड कर लेना। दोस्तों जिस तरीके से मैं ऐड कर रहा हूँ उसी तरीके से आप भी ऐड करना। तो दोस्तों हम लोग का ये लास्ट वाला फोटो बच चुका है, इसको भी हम लोग ऐड कर लिए हैं। और उसके बाद सिंपली से दोस्तों आपको यहाँ से देख सकते हो दोस्तों ये वाला जो फोटो है सिर्फ लग चुका है, अभी इसमें इफेक्ट अप्लाई नहीं हुआ है। तो मैं आपको इफेक्ट अप्लाई करना भी बताऊंगा। तो दोस्तों आपको यहाँ से एक बार सिंपली से बैक कर देना है। दोस्तों एक बार बैक करने के बाद यहाँ से आपको ये वाला शेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना है और दोस्तों आपके फर्स्ट वाले जो ये फोटो है सबसे नीचे देख रहे होंगे इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से इफेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करके आपको कॉपी इफेक्ट पर
क्लिक कर देना है और उसके बाद बैक चले जाना है। और दोस्तों आपको वो वाला बिटमार्क वाला ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने जो पहला फोटो सेलेक्ट किया था उस पर एक बार क्लिक कर देना है और इफेक्ट पर क्लिक कर देना है नीचे। और दोस्तों यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ से पेस्ट इफेक्ट पर क्लिक कर देना है और उसके बाद सेम इफेक्ट आप अगले फोटो में भी अप्लाई करना है। इस पर क्लिक करके यहाँ से इफेक्ट पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ से पेस्ट कर देना है। दोस्तों ये जो शुरुआत में आप चारों फोटो को सेलेक्ट किए थे सेम प्रोसेस आपको चारों फोटो पर सेम इफेक्ट अप्लाई कर देना है। दोस्तों ये लास्ट वाला भी बच चुका है, इस पर भी हम लोग कर देते हैं इफेक्ट पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ से पेस्ट इफेक्ट। तो दोस्तों हम लोग का ये चारों फोटो में इफेक्ट अप्लाई हो चुका है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों हम लोग को इमोजी के बाद वाले फोटो पर इफेक्ट अप्लाई करना है। तो दोस्तों उसके लिए हम लोग यहाँ पर चले आएंगे और इस वाले फोटो से हम लोग का स्टार्ट कर देना है। इसके लिए एक बार बैक करेंगे और फिर से आपको शेक इफेक्ट पर चले जाना है और सेकेंड में जो फोटो दिख रहा है उस पर आप लोग को एक बार क्लिक करना है और यहाँ से इफेक्ट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों कॉपी इफेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको बैक कर देना है और फिर से बीटमार्क वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको इमोजी के बाद वाले जितना भी फोटो है उस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। शुरुआत से आपको डायरेक्ट ऐड करना है लगातार। दोस्तों आपको फर्स्ट वाले फोटो पर क्लिक करना है और यहाँ से इफेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इसके बाद वाला भी फोटो पर सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, यहाँ से इफेक्ट पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो दोस्तों आपने जितना फोटो सेलेक्ट किया था इसके बाद सेम इफेक्ट को आपको इफेक्ट में जाकर पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे कि कैसे इस पर इफेक्ट अप्लाई करना है। तो आपको लगातार जितना भी फोटो आप लास्ट में सेलेक्ट किए थे सभी पर ये वाला इफेक्ट अप्लाई कर लेना है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को तेज कर देता हूँ। तो दोस्तों हम लोग का ये लास्ट फोटो बच चुका है, इस पर भी हम लोग ये वाला पेस्ट कर दिए हैं। दोस्तों इस पर भी ये इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। अब हम लोग इस वीडियो को शुरुआत से देख लेते हैं कैसा है। अब हम लोग को एक बार और बैक कर देना है। दोस्तों उसके बाद बैक करने के बाद फिर से आपको शेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना है और ऊपर से पांच लेयर को आपको कॉपी कर लेना है। दोस्तों पांच लेयर को टैप करना है, 1, 2, 3, 4, 5, पांचों लेयर पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ से आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको कॉपी 5 लेयर पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे कॉपी 5 लेयर पर क्लिक करोगे आपको ये पांचों इफेक्ट कॉपी हो जाएगा। दोस्तों सिंपली से उसके बाद यहाँ से आपको एक बार बैक कर देना है और उसके बाद फिर से आपको बीट मार्क वाले इफेक्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आकर दोस्तों सबसे शुरुआत में आकर यहाँ से इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से पेस्ट 5 लेयर पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों जैसे ही पेस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ से पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको यहाँ से 5 लेयर पर क्लिक कर देना है और दोस्तों सबसे अंत में चले जाना है, वीडियो के सबसे अंत में चले जाना है और यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। दोस्तों इस तरीके से आपकी पूरी वीडियो में ये वाला इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार वीडियो को चलाकर दिखा देता हूँ। दोस्तों अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है इसलिए थोड़ा सा फंस रहा है, नहीं तो आप लोग शुरुआत में देखे ही होंगे कितना अच्छा स्मूथली से ये वाला जो शेक इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। तो दोस्तों उसके बाद इतना इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ से ऊपर इस निशान पर एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में से जाकर वो वाला दोनों XML डाउनलोड कर लेना, तभी ये वाला इफेक्ट को अप्लाई करना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।